हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं? आज सैटरडे है, इसलिए मैं आज आप लोगों को मटर के छोले इजी और कम सामान में बना करके बताऊंगी, और आप लोग भी बनाइएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल गरम हो जाएगा। ये है थोड़ा सा प्याज और एक हरी मिर्च। मैं प्याज का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। ये है उबला हुआ टमाटर, जिसका छिलका निकाल करके और काट के मैं रख दी हूँ। ये है सूखे मसाले, इसमें है 1 चम्मच धनिया पाउडर, काली मिर्च और जीरा का पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद ये पिसा हुआ पेस्ट है, प्याज 1 हरी मिर्च, आधा प्याज 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2-3 छोटी इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। और इसके बाद ये है पीली मटर, इसको मैं रात भर भिगा करके रखी थी। फिर उसके बाद इसको 2 सीटी दी पूरा फ्लेम पर और 1 मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद ये अच्छे से देखिए गल गया है, तेल गरम हो गया है। इसमें मैं प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी। ये थोड़ा लाल होने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी ये पिसा हुआ पेस्ट। इसमें ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ी देर पकने के बाद इसको मैं इसमें और बाकी मसाले डालूंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये सूखे मसाले जो मैं भिगा करके रखती हूँ, और ये उबला और कटा हुआ टमाटर। नमक मैं इसमें बहुत थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि मटर उबालते समय भी मैं उसमें नमक डाली हूँ। अब ये ऐसे ही पकता रहेगा, 5-10 मिनट तक ये पकेगा। इसके बाद मैं इसमें मटर मिलाऊंगी। देखिए इसको पकते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं, अभी ये थोड़ी देर और पकेगा। अब देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम मिलाएंगे उबले हुए मटर। अब देखिए ये मटर मिल गया है। अब ऐसे ही इसको हम एक बार तेज आंच कर देंगे, जब ये उबलने लगेगा फिर इसको हम छोड़ देंगे। 5 मिनट इसमें पकता रहेगा, फिर हमारा छोले बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब देखिए हमारे मटर के छोले बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको अब गैस को मैं बंद कर दूंगी, ऊपर से हरा धनिया डाल दूंगी, और आप भी इसे ज़रूर बनाइए और खाइए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। बाय।